हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ आपको बताने, एक ICIE की अनाउंसमेंट आई है जो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि आपके एग्जाम क्या हो गए हैं, 1 महीना डिले हो गए हैं। लेकिन ये गुड न्यूज़ किसके लिए है? ये गुड न्यूज़ केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है CA फाउंडेशन कोर्स में। जिन बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, दिस अनाउंसमेंट इज ओनली रेलिवेंट फॉर दोज गाइज। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स इसी साल 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं CA फाउंडेशन कोर्स के, वो स्टूडेंट्स प्लीज 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 ध्यान रखिए, वो स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करा ले कब तक? 16th ऑफ अगस्त तक इंस्टीट्यूट के साथ अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट चले जाएगा मई 2022 में। ओके, तो ध्यान रखिए प्लीज कि जिस भी स्टूडेंट्स को CA फाउंडेशन अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट फॉर इंटर और फाइनल, इट्स ओनली फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं और इसी ईयर में देना चाहते हैं, 2021 में ही देना चाहते हैं, तो यस प्लीज रजिस्टर यूर सेल्फ बिफोर 16th ऑफ अगस्त। लास्ट डेट इज 16th ऑफ अगस्त। और आप लोग अपनी मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट को हमारे एडिशनल सेक्रेटरी ICIE के पास भेज सकते हैं लेटेस्ट बाय 10th ऑफ सितंबर। क्लियर? तो जल्दी से रैप अप कर दे रहा हूँ चीजों को, ध्यान से सुनेगा। यस, नंबर एक, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है? ये है केवल और केवल CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या है? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके एग्जाम भी अब नवंबर में नहीं होंगे। उनके एग्जाम भी अब कब होंगे? उनके एग्जाम भी दिसंबर में होंगे। तो यस, उनके लिए भी एक बूस्टर है कि वो पढ़ाई करें, स्टार्ट करें अच्छे से। कम पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा पढ़ाई करें, आपको रिविजन का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन जो CA फाउंडेशन एस्पिरेंट हैं, जो अभी जस्ट एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए यस इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 गुड थिंग। यस, क्या? यस, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। यस, इट कैन बी क्रैक्ड इन 3 मंथ्स। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल, यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन विद इन ए 3 मंथ्स पीरियड। यस, ऑगस्ट इज देयर, सेप्टेम्बर इज देयर, अक्टूबर इज देयर एंड नवम्बर इज देयर। 3+1, 4 मंथ्स इज देयर, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स इज देयर। सो प्लीज 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 स्टार्ट योर स्टडीज एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, सो मैं जल्दी से आपको ICIE की तरफ से जो एक इंफॉर्मेशन है वो मैं पास ऑन कर देता हूँ। क्या कहता है उससे एक अनाउंसमेंट, क्या कहती है? एक्सटेंशन कर दिया गया टाइम पीरियड एडमिशन इन CA फाउंडेशन कोर्स, लेकिन कब? जो दिसंबर में किया जाएगा। पहले कब होता था? नवंबर में एग्जाम होते थे, लेकिन अभी कब होंगे? पहले नवंबर में होते थे, लेकिन अभी कब होंगे? अभी होंगे आपके दिसंबर। दिसंबर भी कौन सा? 21 में। क्लियर? इसलिए हुए क्योंकि कोविड की वजह से सिनेरियो थोड़ा खराब रहा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए, 12th क्लास का एग्जाम लेट हुआ, एग्जाम लेट होने की वजह से उनका रिजल्ट लेट आया, इस वजह से उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए ICIE ने एक स्टेप लिया है कि यस, के बच्चों के एडमिशन जल्दी से कराओ और गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू रिमूव हार्डशिप को रिमूव करने के लिए कोविड की वजह से, बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिस इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज एकेडमिक की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है क्या? ये स्टूडेंट प्रोविजनल रजिस्टर करे कब तक? फाउंडेशन कोर्स में लेटेस्ट बाय 16th ऑफ अगस्त तक अपने आप को रजिस्टर कराएं एंड और अपीयर हो जाएं कब? दिसंबर में अपीयर हो जाएं। यस, 16th के बाद कराएंगे तो कब हो पाएंगे अपीयर? 16th के बाद कराएंगे तो बच्चों अपीयर हो पाएंगे आप लोग कब? मई में। 16th तक करा लेंगे तो कब अपीयर हो पाएंगे? यस, इट्स ए बोनांजा फॉर यू, सो प्लीज ग्रैब इट। सच स्टूडेंट्स मतलब जो अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कब तक? 16th ऑफ अगस्त तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो अपने 12th क्लास की एग्जामिनेशन की मार्कशीट कहाँ भेजेंगे?
इनको सेंड करेंगे प्लीज, एडिशनल सेक्रेटरी एग्जामिनेशन ICIE। कब तक भेज देंगे? लेटेस्ट बाय 10th of September तक वो अपनी मार्कशीट उनको सेंड कर देंगे। क्लियर? टू पॉइंट सर क्लियर। एंड थ्री लास्ट पॉइंट, द अबव रिलैक्सेशन, ये जो रिलैक्सेशन दी जा रही है ये रिलैक्सेशन किस चीज के लिए? ओनली वन टाइम है ये रिलैक्सेशन, बार बार नहीं मिलेगी। अभी दे दिया है, इसका फायदा केवल और केवल, इसका बेनिफिट केवल और केवल एक ही बार ले सकते हैं। तो प्लीज अवेल दिस, अवेल द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इट विल बी गुड एनफ फॉर यू पीपल। ओके, सो प्लीज क्या लिखा है, दिस रिलैक्सेशन शिल बी अ वन टाइम मेजर ओनली। एक बार दे दिया है, मानकर चलिए कि यही बार मिलेगा, आगे सितंबर में दोबारा अनाउंसमेंट नहीं आएगी इसके लिए, यस रजिस्टर कराओ, नवंबर में नहीं आएगी, तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप सीए फाउंडेशन दिसंबर एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नटशेल में बता रहा हूँ, अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2020 में अपियर होना चाहते हैं और अब तक आपने रजिस्टर नहीं कराया है अपने आप को, तो प्लीज 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 अपने आप को रजिस्टर कराएं। कब तक? लेटेस्ट बाय 16th of August तक अपने आप को रजिस्टर कराएं। फाइन, गो फॉर दैट। ओके, माय विशेस आर विद यू, गॉड ब्लेस यू पीपल। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।